हूँ अभी काजा के मार्केट में, के मार्केट से अभी मैं वापस जा रहा हूँ पेट्रोल पंप के पास, मोनास्ट्री के पास। अब फाइनली डिसीजन यही है कि रुकूंगा मैं आज काजा में और कल सुबह निकल जाऊंगा, क्योंकि जो सारे प्रयास थे मैंने कर चुके, अपनी तरफ से जो भी मेरे करना था वो कर चुका हूं मैं, और मुझे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं कि मैं एकेम या कॉमेक तक जा पाऊँ। अभी ये दो बोलेरो आपस में टकराते टकराते बची, टर्निंग था ना वो हॉर्न मारा ना ये इधर से ये हॉर्न मारा, दोनों एकदम इमरजेंसी ब्रेक लगाए, टायर फिसली दोनों पे। अब बच चुके हैं दो, वो कोई गाड़ी वगैरह ट्रैवलर गाड़ी भी नहीं दिख रही है। जब सुबह में मैं आया था तो एक दो गाड़ी मिली थी, बाइकर सब थे, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा प्रॉब्लम होगा। चूँकि आज संडे है, सबसे मेन बड़ी बात यह है कि संडे है, इस वजह से आज सारे बंद पड़े, पूरे सन्नाटा है काजा मार्केट में। और एक शॉर्टकट रास्ता इधर से भी था ऊपर जाने का, लेकिन 2.5 घंटा है और रास्ता है, बीच बीच में पता ही नहीं गायब हो जाता है कैसे जाना है। तो इस पहाड़ को उस तरफ ही है कॉमिक, पहले हिक्किम आएगी और फिर कॉमिक आएगी, तो पहाड़ के दूसरे साइड में है, बस उसी साइड जाना है। तो इतना मुझे लगता है कि ये 3-4 जगह जो छूट रहा है ये इसलिए छूट रहा है ताकि मैं फिर दोबारा यहाँ पे आ सकूँ, और दोबारा कभी आऊँगा तो अब इस बार इस रूट से नहीं, दूसरे रूट से आऊँगा, कुल्लू मनाली वाले रूट से होकर के आऊँगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और वो वाला रूट थोड़ा सा एडवेंचरस ज़्यादा है, दोनों एडवेंचरस ही हैं लेकिन उसका कुछ अपना ही मज़ा है और इधर से आने का कुछ अपना ही मज़ा था। खैर, कोई होम स्टे ढूँढ रहा हूँ या होटल ढूँढता हूँ और आज रात गुजारनी है किसी तरह से। काजा स्पीति की ट्रिप अब यहीं पे ख़त्म होती है, क्योंकि जितने मैक्सिमम प्रयास करने थे मैंने कर लिए कि मोनेस्ट्री या हिक्किम कॉमिक जाने का। एक बाइक लास्ट में मिली लेकिन वो सिर्फ 1 घंटे के लिए दे रहे थे और चार्ज कर रहे थे 500 प्लस पेट्रोल का चार्ज वो अपना दे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ा क्योंकि मैं सिर्फ कि मोनेस्ट्री जाता और 1 घंटे के अंदर ला कर उनको देना भी था, और 1 घंटे में तो पॉसिबल नहीं है कि मैं जा कर के, तो लगभग 700-800 रुपये खर्च पड़ जाते मुझे, और वो भी सिर्फ की मोनेस्ट्री के लिए। खैर कोई बात नहीं है, फिर कभी प्लान बनेगा तो आऊँगा। मुझे आज रात को रुकने के लिए जगह मिल गई है, सनी होम स्टे जगह है, जस्ट पेट्रोल पंप है, काजा पेट्रोल पंप उसके जस्ट नीचे ही है, एक मंगलम गेस्ट हाउस है उसी के जस्ट नीचे, काजा पोस्ट ऑफिस है उसके जस्ट बगल में ही है। और मैं भी नीचे जा रहा हूँ स्पीति नदी के पास, क्योंकि अब तो फाइनल हो चुका है कि मैं अब कॉमिक हिक्किम नहीं जा रहा हूँ, ना ही की मोनेस्ट्री जा पाऊँगा, क्योंकि कल मुझे बस पकड़नी है 7 बजे। रीज़न ये है कि होम स्टे में जिनके यहाँ रुका था उन्होंने बताया कि मैं 1 महीना पहले आ गया हूँ, और अगर अप्रैल में लास्ट तक आया होता, 15 अप्रैल के बाद तक, तो मुझे बहुत सारे शेयर टैक्सी मिल जाते, क्योंकि उस समय जो है टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो जाने के लिए बाइक भी मिल जाती, लिफ्ट भी आसानी से मिल जाती। अभी बहुत कम आते हैं क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि अभी ये जगह खुल चुकी है, क्योंकि ज़्यादातर जो टाइम है ये मार्च तक बर्फ़ गिरती रहती है, मार्च के बाद ख़त्म हो जाती है, तो अभी मार्च चल रहा है, मार्च ख़त्म होने में भी टाइम है, तो कभी बर्फ़ गिर रही है कभी रुक जा रही है, तो इस वजह से टूरिस्ट उतना नहीं आ पा रहे हैं। दूसरा रीज़न ये है मुझे बाइक नहीं मिलने का, कि बाइक इसलिए नहीं मिला क्योंकि यहाँ के जो यूनियन टैक्सी वाले सब हैं वो मना करते हैं। मना क्या करते हैं कि उन लोगों का इनकम होता है, अगर जैसे मैं मुझे जाना है कहीं, मान लो कि मोनेस्ट्री जाना है या फिर जाना है हिक्किम या कॉमिक या लॉन्ग जंप, तो मैं 500-1000 रुपये में बाइक ले लेता और आराम से घूम के 1-2 दिन में चला आता। अब वो टैक्सी वाले लोग जिनका बाइक होता है उनको पकड़ लेते हैं, लाज झगड़ने लगते हैं, उनको मना करते हैं
कि तुम मेरा जो रोजी रोटी है वो ख़त्म कर दे रहे हो। तो इस वजह से टैक्सी वाले जो है वो अलाउ नहीं करते जाने के लिए। मुझे एक मिला था, बुलेट दे रहे थे वो चलाने के लिए, पर एक घंटे के लिए सिर्फ की मोनेस्ट्री घूम के आ सकता था, ये एक रीज़न है। और दूसरी बात कि मैं जा सकता हूँ, पैदल भी जा सकता हूँ, थोड़ा सा हाइकिंग करने पड़ेगी, ट्रेकिंग करने पड़ेगी, लेकिन ट्रेकिंग का रास्ता सही से पता नहीं है क्योंकि अभी लोग ऊपर जा नहीं रहे थे तो वो रास्ते बंद हो चुका है। तो मैं आधा रास्ता चढ़ा था और आधे रास्ते चढ़ने के बाद मुझे ट्रेकिंग करने का जो रास्ता होता है ना वो मिल ही नहीं पा रहा था, तो इस वजह से मुझे घूम के ही वापस आ गया। ये नदी जाने के लिए किधर से रास्ता है? नदी 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 पे जाना है उसके लिए। तो पता नहीं अभी नहीं है। अच्छा नहीं है। हाँ तो मैं बता रहा था कि जस्ट काजा में जो मोनेस्ट्री है उसके बगल से रास्ता है, ऊपर तक चढ़ा था फिर मैं उतर गया क्योंकि रास्ता नहीं मिल रहा था। और वहाँ से स्नो लेपर्ड भी दिख जाती है। खैर अब ये जो तीन चार डेस्टिनेशन बच गए हैं वो अगली बार के लिए, तो अगली बार कभी प्लान बनाऊंगा तो जुलाई अगस्त सितंबर में। ये नदी के पास चले जाएगी रास्ता और आपको पीछे से देखो इस पहाड़, पहाड़ के पीछे सनलाइट। तो अभी दो चार दिन पहले बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है, आसपास देख रहे हैं कि यहाँ पे बर्फ गिरा हुआ है। अभी नीचे जा रहा हूँ स्पीति नदी के पास, सोचा कि अगर उस तरफ नहीं घूम पाया तो कम से कम काजा को अच्छे तरह से एक्सप्लोर कर लिया जाए। मेरे गोप्रो की बैटरी डेड होने वाली है और बस सिर्फ इसमें 50 मिनट की रिकॉर्डिंग और मैं कर सकता हूँ। हालांकि मेरे पास एक और कैमरा था नहीं, कैमरा है DJI Osmo Pocket, तो उसका फील्ड ऑफ व्यू FOV बहुत कम है, 80 डिग्री 88 डिग्री है, और GoPro का थोड़ा सा ज़्यादा है। खैर कोई बात नहीं है, आप देख सकते हो छत पे बर्फ़ गिर गए हैं और ये बर्फ़ अब पानी बन के नीचे पिघल पिघल के गिर रही है धूप की वजह से। यहाँ भी नीचे बर्फ़ गिरा हुआ है। तो दो चार दिन पहले बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई थी, मतलब एक सप्ताह पहले, तो इस वजह से अभी एक सप्ताह से बर्फ़बारी बंद है, तो इस वजह से गाड़ी सब अभी काजा के लिए आ जा रही हैं। अभी एक गाड़ी सुबह में जाती है रेकोंगपियो के लिए और शाम में एक गाड़ी आती है, सिर्फ एक ही गाड़ी है अभी। और मैं धीरे धीरे चलते चलते बात करते करते अब पहुँच गया हूँ स्पीति नदी के किनारे। कमाल का नज़ारा है। यहाँ से 12 किलोमीटर दूर पड़ता है की मोनेस्ट्री और 22 किलोमीटर लांगजा। लेकिन हालांकि ये सामने जो पहाड़ है बस इसी पहाड़ पे ऊपर मिल जाती है हिक्किम कॉमिक। पता नहीं नदी किनारे जा पाऊँगा भी नहीं जा पाऊँगा, रास्ता लग रहा है बंद है। गया हूँ स्पीति नदी के किनारे, पीछे भी जा सकता हूँ सही नहीं लग रहा मुझे। और यहाँ से रास्ता दिख रही है सीधे ऊपर लांगजा के लिए, बस जिगजैग मोशन में इसी पहाड़ी के ऊपर एक दो तीन गांव है, छोटा छोटा गांव है, और इधर सीधे चली जाती है की मोनेस्ट्री, गिब्बर और चीचा।